तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम हमारी सेकंड पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और बच्चों, जो पोइट हैं इस पोएम के वो हैं स्टीफन स्पेंडर। तो जो नाम है हमारी पोएम का एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो बच्चों, स्लम क्या होता है? स्लम कहते हैं बस्ती को, जो कच्ची बस्ती होती है जहाँ पर बहुत ही पुअर लोग रहते हैं, जिनके पक्के घर नहीं होते, जिनके पास किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, रोड्स नहीं होती, किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर नहीं होता। कच्ची बस्ती में वो लोग रहते हैं। और जो एलिमेंट्री स्कूल होता है, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल। तो ये पोएम किस बारे में है? एक जो स्लम होती है, कच्ची बस्ती होती है, वहाँ का एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक प्राइमरी छोटे बच्चों का स्कूल है, और उस स्कूल का जो क्लासरूम है उस बारे में ये पोएम है। तो बच्चों, एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि हमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी देगी। और बच्चों, ये जो पोएम है ये लिखी गई है 4 स्टैंजाज में। अब बच्चों, स्टैंजा क्या होते हैं? जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो प्रोज में, जिन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं, तो पोइट्री में हम पैराग्राफ को स्टैंजाज कहते हैं। तो इस पोएम को लिखा गया है 4 स्टैंजाज में और हर स्टैंजाज में देयर आर 8 लाइन्स। तो इस तरह से इस पोएम को लिखा गया है। हम पोएम पढ़ेंगे, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पर सबसे पहले हम हमारे जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे पोइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोइट, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पोइट को स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। तो जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, ये इंग्लिश पोइट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये पोइट थे और साथ ही एसेइस्ट थे, यानी ये पोइट्री भी लिखा करते थे और प्रोज भी लिखा करते थे। He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930। और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ करी थी? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और 1930 में ये बर्लिन चले गए थे। यानी कि इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, बीच में ही इन्होंने अपना जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी जो थी, उसको छोड़ दिया था और फिर ये बर्लिन ले गए। स्टीफन स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। तो ये जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, किसमें? पॉलिटिक्स में। तो राजनीति में भी इनकी बहुत गहरी रुचि थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, यानी इन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने बारे में कि ये क्या है, सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, और साथ ही साथ पैसिफिस्ट हैं, शांतिवादी हैं। तो इन्होंने बहुत सारा लिटरेरी वर्क तो करा ही है, बहुत सारा लिटरेचर इन्होंने लिखा है, पर उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी इनकी बहुत अच्छी रुचि थी, बहुत इनका लगाव था पॉलिटिक्स से, राजनीति से, और ये अपने आप को एक समाजवादी और एक शांतिवादी माना करते थे। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस हुई थी। तो उनमें से कुछ बुक्स के नाम हम देख लेते हैं। तो इनके जो फेमस बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है एक, इनकी बुक का नाम है एज ऑफ बीइंग, एक और इनकी फेमस बुक है द क्रिएटिव एलिमेंट, अनदर वन इज़ स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न। इसके अलावा इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, यानी अपनी खुद की लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities। और हम जो यहाँ पे पोएम पढ़ने वाले हैं, An elementary school classroom in a slum, इस पोएम में इन्होंने अपनी जो थीम है, थीम कहते हैं बच्चों विषय वस्तु, यानी कि कोई भी हम जब पोएम पढ़ते हैं, जब भी हम कोई ऐसे पढ़ते हैं, तो उसकी थीम का मतलब होता है कि वो पोएम किस बारे में है, वो ऐसे किस बारे में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे जो पोएम पढ़ने वाले हैं उस पोएम की जो थीम है, उस पोएम की जो विषय वस्तु है, जिस बारे में वो पोएम है, वो क्या है? सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय, और साथ ही साथ क्लास का मतलब होता है समाज में जो अलग अलग तरह के वर्ग होते हैं, जैसे कि अमीर गरीब, तो जो डिफरेंट वर्ग हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल होता है और उनके बीच क्या क्या इनइक्वालिटीज़ है, क्या क्या असमानताएं हैं और क्या क्या अन्याय होता है गरीब लोगों के साथ, इस बारे में इस पोएम को लिखा गया है। तो बच्चों ये थीम है इस पोएम की। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो लोग स्लम में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनके साथ क्या क्या अन्याय होता आ रहा है इतने ज़्यादा समय से, और साथ ही वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कैसे माहौल में वो रहते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनके लाइफ में, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती। तो इस पोएम का थीम है सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटीज़ यानी अलग अलग वर्गों के बीच में जो असमानता है वो। तो पोएम बहुत अच्छी है और साथ ही हमें एक अच्छा सा मैसेज भी देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ आवर पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. तो बच्चों हमें पता है ये पोएम किस बारे में है, एक एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ का जो क्लासरूम है उस बारे में ये पोएम है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट हमें क्या कह रहे हैं कि उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों के बारे में पोइट हमें बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन बच्चों के जो फेस हैं, जो उनके चेहरे हैं वो कैसे हैं, उनके फेस बहुत फार हैं, फार यानी बहुत दूर हैं, किससे, गस्टी वेव से। गस्टी का मतलब होता है पावरफुल फोर्स और वेव्स का मतलब भी वही है, तो गस्टी वेव्स का मतलब है पावरफुल फोर्स, यानी कि उनके फेस पे किसी तरह की पावर नहीं है, और पावर का मतलब है उनके फेस पे कोई ग्लो नहीं है, किसी तरह की भी ब्राइटनेस नहीं है, उनके फेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, यानी कि वो उनके फेस को देख के लग रहा है कि उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह की ब्राइटनेस नहीं है, बहुत थके हारे वो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और उनके फेस कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल उन वीड्स की तरह। वीड्स किसे कहते हैं, जंगली पौधे, यानी कि आपने देखा होगा ना जब भी कहीं फार्मिंग होती है, कहीं पे खेती की जाती है तो उसके आसपास कुछ पौधे अपने आप उगाते हैं, और वो पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कि ना हम कभी भी उखाड़ देते हैं क्योंकि वो अनवांटेड होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह के जो जंगली पौधे होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं और जिनके लाइफ बिल्कुल इनसिक्योर होती है, कोई कभी भी आके उन पौधों को उखाड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही इन बच्चों के फेस लग रहे हैं। तो बच्चों पोएट फर्स्ट लाइन में हमें कह रहे हैं कि वो जो एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके फेस पे किसी तरह की पावरफुल फोर्स नहीं दिखाई दे रही, और पावरफुल फोर्स का मतलब है उनके फेस पे कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई लाइफ उनको नहीं दिखाई दे रही, उनके फेस बहुत ज़्यादा डल है, टायर्ड हैं, बिल्कुल एनर्जी उनके फेस पर नहीं है। और जिस तरह से रूटलेस वीड्स होते हैं, जंगली पौधे जो कि अनवांटेड होते हैं, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिसे कोई भी कभी भी उखाड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही इनसिक्योरिटी उन बच्चों के फेस पे भी दिखाई दे रही है। द हेयर टॉन राउंड देयर पैलोर, और उन बच्चों के जो बाल हैं वो उनके पैलोर कहते हैं, येलो फेस। तो उन बच्चों का फेस कैसा है, पेल है, येलो है, और अगेन पेल फेस का मतलब क्या होता है, पेल फेस रिप्रेजेंट करता है डलनेस को, वीकनेस को, टायर्डनेस को। तो उन बच्चों का जो पीला चेहरा है जो कि वीकनेस के कारण, थकान के कारण उनका चेहरा जो पीला हो गया है, उस पीले चेहरे पे उनके जो बाल हैं वो टॉन राउंड यानी बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, यानी जब स्कूल आते हैं तो अच्छे से तैयार होके ड्रेसअप होके भी नहीं आते हैं, ये जिस तरह से घर पे रहते हैं वैसे ही उठ के स्कूल आ जाते हैं। इनके चेहरे बिल्कुल येलो हैं, और येलो का मतलब अगेन वही, बहुत डल हैं, बिल्कुल उस पर ब्राइटनेस नहीं है, एनर्जी नहीं है, और बिल्कुल वीक वो लग रहे हैं, और उनके चेहरों पर उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। अब हमें पॉइंट आगे की लाइंस में कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं जो बच्चे वहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो क्या कौन कौन से बच्चे हैं, किस तरह वो लग रहे हैं, उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल हमें पॉइंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि वहाँ पे गर्ल बैठी हुई है जो कि काफ़ी टॉल है, यानी वो काफ़ी लंबी है। विथ हर वेटेड डाउन हेड, तो एक गर्ल है जो काफ़ी टॉल है, लंबी है, लेकिन उसका जो सिर है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है। वो अपना सिर नीचे करके बैठी हुई है। और नीचे क्यों हो रहा है उसका सिर, वेट की वजह से। अब बच्चों वेट किस चीज़ का है, वेट यहाँ पे वही बात हमें बताता है कि वो जो गर्ल है वो इतनी ज़्यादा थकी हुई है, वो इतनी ज़्यादा टायर्ड है। और टायर्ड क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली से आती है, उसको अच्छे से भरपेट खाना भी नहीं मिलता, वो खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। और सेकेंडली उसे अपने घर पे बहुत काम करना होता है, उसे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है। जब सभी मिलके काम करते हैं तभी इस तरह की जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाती हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे गर्ल बैठी हुई है जो कि काफ़ी टॉल है, लेकिन उसका जो सिर है वो वेट की वजह से डाउन हो रहा है। और वेट जो है वो किस चीज़ का है, वो गर्ल इतनी पुअर है कि वो भरपेट खाना नहीं खा पाती, उसको अच्छे से पेट नहीं उसका भर पाता, वो बहुत वीक है, बहुत टायर्ड है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रही है। क्यों, क्योंकि उसको घर पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। उस वेट की वजह से उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, अब पॉइंट फिर से हमें एक और बच्चे के बारे में बता रहे हैं। अब पॉइंट कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बॉय बैठा हुआ है जो कि कैसा लग रहा है, पेपर स्विमिंग। अब पेपर स्विमिंग यानी पेपर की तरह दिखने वाला। अब पेपर कैसा होता है, पेपर कितना पतला होता है, कितना थिन होता है। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जितना पतला पेपर की एक शीट होती है वो लड़का भी उतना ही पतला है। अब लड़का पतला है, इसका क्या मतलब है, वो इतना ज़्यादा पतला है कि जितना कि एक पेपर होता है। यानी पॉइंट हमें वही बात बताना चाह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा पतला है। और पतले होने का रीज़न क्या है, वही कि उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, उसका पेट नहीं भर पाता, और इस वजह से उसकी जो फिज़ीक है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसा कि कोई पतला सा पेपर का शीट होती है। विथ रेड आइज़, और उस बच्चे की जो आइज़ हैं वो आइज़ कैसी हैं, रेड की तरह हैं। अब बच्चों रेड आइज़ का क्या मतलब होता है, एक चूहे की आंखें कैसी होती हैं, आप सबने चूहे को देखा होगा। तो जो रेड होता है वो हमेशा भूखा रहता है, वो हमेशा खाने की तलाश में रहता है। तो उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर देखती हैं, वो ढूंढता है हमेशा खाने को, वो हमेशा चाहता है कि उसे कहीं भी खाने को मिल जाए और फिर उसी डायरेक्शन में वो भाग आता है। तो उसकी आंखें हमेशा खाने की तलाश में रहती हैं। तो पॉइंट ने इस बॉय के बारे में हमें दो बातें बताई। वो कह रही हैं कि वो देखने में उसकी जो फिज़ीक है वो कैसी है, वो इतना पतला है जैसे कि कोई पेपर की शीट होती है। और सेकंड बात कि उसकी जो आंखें हैं वो एक रैट की तरह हैं। जिस तरह से रैट की आइज़ हमेशा खाने को ढूंढती हैं उसी तरह ही इसकी आंखों में देख के हम बता सकते हैं कि इस बॉय ने अपनी लाइफ में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। उसकी आइज़ देख के हम बता सकते हैं कि वो कितना भूखा है, उसको कितनी ज़्यादा नीड है एक अच्छे हेल्दी खाने की। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़। अब एक और बच्चा है वहाँ पे बैठा हुआ है। तो पॉइंट हमें कह रहे हैं कि एक और वहाँ पे बॉय है वो कैसा है, स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी नहीं हो पाई, उसका डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। और वो एक अनलकी एयर है अपने, और उस अनलकी एयर का मतलब क्या होता है, अनलकी यानी वो बदकिस्मत है और एयर का मतलब होता है वारिस। तो वो उसे अपने फादर से, वारिस का क्या मतलब होता है, यानी कि उस अपने फादर से, अपनी फैमिली से उसको क्या मिला है विरासत में, उसको एक डिजीज़ मिली है, नाल डिजीज़। और जो नाल डिजीज़ होती है बच्चों, इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, यानी वो टर्न हो जाती हैं एक गलत तरीके से, एक अलग तरीके से। तो पोइट हमें एक तीसरे बच्चे के बारे में बता रहे हैं और उस बच्चे को पोइट ने कहा है अनलक्की एयर, यानी कि उसको अपनी विरासत में वो बहुत अनलक्की है क्योंकि उसको विरासत में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, बल्कि उसने बाय बर्थ जेनेटिकली अपने फादर से क्या प्राप्त किया है, एक बीमारी प्राप्त की है। यानी ये जो बीमारी है नाल डिजीज़, ये बीमारी उसके फादर को भी थी और क्योंकि उसका बर्थ उस घर में हुआ है तो उसको अपने फादर से विरासत में ये बीमारी मिली है, इसी बीमारी के साथ उसका बर्थ हुआ है। तो और इस बीमारी में क्या होता है, उसकी जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं हाथ पैरों की, वो एक अलग तरीके से ट्विस्ट हो गई हैं, टर्न हो गई हैं। तो इसीलिए वो एक अनलक्की हेयर है, यानी उसे विरासत में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली अपनी फैमिली से, बल्कि उसे एक बीमारी मिली है। Reciting a father's नाल disease his lesson from his desk, तो जिस तरह से हम क्या करते हैं अपनी डेस्क पे खड़े होके कोई किसी लेसन को क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं। रिसाइट किसे कहते हैं, सुनाना, यानी कि हम कोई लेसन पहले लर्न करते हैं फिर उस लेसन को हम रिसाइट करते हैं, रिपीट करते हैं। उसी तरह से ये पोइट, ये जो बॉय है, ये बॉय भी रिपीट कर रहा है किसे, अपने फादर की डिजीज़ को। तो बच्चों पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम किसी लेसन को लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद हम उसे रिसाइट करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, वापस से सुनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये जो बॉय है इसने भी अपने फादर की डिजीज़ जो कि इससे अपनी विरासत में इसने प्राप्त की है और इसीलिए बहुत अनलक्की है। तो जिस तरह से इसके फादर पूरी लाइफ इसी डिजीज़ को उन्होंने कैरी किया, उन्होंने भी इस डिजीज़ को फेस किया, उसी तरह से सेम इस बॉय के साथ हो रहा है। ये भी अपना, इसका जो बर्थ है, ये इसका बर्थ इसी डिजीज़ के साथ हुआ है और अपनी पूरी लाइफ इसे भी वही सारी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी जो प्रॉब्लम इसके फादर ने फेस की हैं। तो इसीलिए उसे कहा गया है कि वो एक अनलकी एयर है क्योंकि उसे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली विरासत में, बल्कि एक बीमारी मिली है जो कि उसने जेनेटिकली अपने फादर से प्राप्त की है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब बच्चों पॉइंट हमें एक और बच्चे के बारे में बता रहे हैं तो ये लाइन हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एक बार पहले हम जो लाइन्स हमने कंप्लीट की हैं इसको हम एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, एक क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के बारे में और उन बच्चों के जो फेस हैं वो फेस बहुत दूर हैं हर तरह की पावरफुल फोर्स से, हर तरह की पॉजिटिव फोर्स से। उन बच्चों के जो फेस हैं बहुत ज़्यादा डल हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बिल्कुल उस पर ब्राइटनेस और एनर्जी नहीं है। और उन बच्चों के जो फेस हैं उनको कंपेयर किया गया है रूटलेस विट्स के साथ। जिस तरह से जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे जो कि अपने आप उग जाते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अनवांटेड होते हैं, हार्मफुल होते हैं और हम उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उसी तरह से इन बच्चों के फेस हैं, ये बच्चे भी इसी तरह से हैं, अनवांटेड हैं और इनकी लाइफ में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। तो बच्चों इन लाइंस में हम देख सकते हैं लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है। आप यहाँ पे देखिए जो दो वर्ड्स हैं फार फार, ये एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। तो ये एक टर्म है रेपिटेशन। रेपिटेशन यूज़ किया गया है, एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। और रेपिटेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देके कहने के लिए। और साथ ही यहाँ पे फार फ्रॉम, यानी हम बोल के देख सकते हैं फार एंड फ्रॉम। तो ये क्या है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। और ये भी एक लिटरेरी टर्म होता है जिसका नाम होता है अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है फार फ्रॉम, दोनों ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेम साउंड से, सेम साउंड को यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसके अलावा बच्चों एक और टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है लाइक। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब भी हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं लाइक या एज, तो वो एक लिटरेरी टर्म होता है जिसका नाम होता है सिमली। तो यहाँ पर पॉइंट ने बच्चों के फेस को कंपेयर किया है किसके साथ, रूटलेस विट्स के साथ। और क्या यूज़ किया है कंपैरिजन में, लाइक। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है सिमली का। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जिस तरह से रूटलेस विट्स होते हैं, अनवांटेड होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उसी तरह से इन बच्चों के फेस हैं। आगे पॉइंट ने क्या कहा था कि उन बच्चों के फेस बिल्कुल पेलोर यानी येलो है, और येलो जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है डलनेस को, वीकनेस को, टायर्डनेस को। तो इन बच्चों के फेस इतने वीक हैं और इनके जो बाल हैं वो इनके चेहरों पर बिखरे हुए हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये जब स्कूल आते हैं तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता या कोई इतनी केयर नहीं करता कि जब स्कूल आ रहे हैं तो अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होके रेडी होके स्कूल आए, इतनी भी केयर नहीं करते। इसके बाद में पॉइंट ने हमें कुछ बच्चों के बारे में बताया था कि किस किस तरह के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पॉइंट ने सबसे पहले बताया था कि एक टॉल गर्ल वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन उसका जो सिर है वो वेट की वजह से झुका हुआ है। और वेट किस चीज़ का है, वो इतनी पुअर है, वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बीमार रहती है, वो खाना नहीं अच्छे से खा पाती, उसे खाना नहीं मिलता, और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, और इसीलिए उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। सेकेंड पॉइंट ने एक बॉय के बारे में बताया जिसकी जो फिज़ीक है वो इतनी पतली है जितना पतला एक पेपर होता है, और साथ ही उसकी जो आइज़ हैं वो कैसी हैं, रेड की तरह हैं। तो बच्चों यहाँ पे उसकी जो आइज़ हैं उसे कंपेयर किया गया है रेड की आइज़ से। तो ये भी अगेन एक लिटरेरी टर्म बनता है, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन में हम लाइक एज वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे। तो ये लिटरेरी टर्म बनता है मेटाफर। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर का जब पॉइंट ने उस बॉय की आइज़ को कंपेयर किया है किसके साथ, रेड की आइज़ के साथ। आगे पॉइंट ने बताया एक और बॉय के बारे में जो कि एक अनलकी एयर है। क्यों? क्योंकि उसको अपने फादर से विरासत में एक बीमारी मिली है, उसको एक ऐसी बीमारी मिली है जिसमें उसकी जो बोन्स हैं वो ट्विस्ट हो गई हैं, टर्न हो गई हैं। और जिस तरह से उसके फादर पूरी लाइफ इस बीमारी से सफ़र रहे थे, उसी तरह से इस बच्चे को भी अपनी पूरी लाइफ इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और आगे पॉइंट एक और बच्चे के बारे में हमें बता रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो क्लास है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा डिम है, यानी वहाँ पे कोई अच्छी लाइट्स नहीं है, लाइटिंग नहीं हो रही है, अंधेरा है क्लास में। क्यों? क्योंकि कोई लाइट नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ जो क्लास है वो थोड़ी अंधेरे में है। तो वो जो अंधेरा क्लासरूम है उसके बैक यानी पीछे की तरफ, तो अब पीछे की तरफ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो पॉइंट कह रहे हैं उसके बारे में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। तो पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा कैसा है, अननोटेड है। अननोटेड का मतलब जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको हम नोटिस नहीं कर रहे, बिल्कुल उसको हम देख नहीं रहे, इस तरह से वो एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि उस जो अंधेरा क्लासरूम है उसके बिल्कुल पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बिल्कुल अननोटेड है, किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा उस बच्चे की तरफ, लेकिन वो बहुत ही स्वीट है और वो काफ़ी यंग है। तो एक छोटा सा स्वीट सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है उस अंधेरे क्लासरूम के पीछे, ऐसे बैठा हुआ है कि किसी का ध्यान भी उस पर नहीं जा रहा। His eyes live in a dream। अब उसके बारे में पॉइंट क्या कह रहे हैं कि उस बच्चे की जो आइज़ हैं वो कैसी हैं, उसकी आइज़ को देख के ऐसा लगता है कि उसकी आइज़ में एक सपना है। और सपना किसका है, वो किस चीज़ का सपना देख रहा है, स्क्विरल गेम। यानी पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इस बच्चे की आंखों में सपना है, ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, ये यहाँ से निकलना चाहता है, इस स्लम में जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, उस सबसे ये दूर जाना चाहता है। और इसकी आंखों में सपना है नेचुरल चीज़ों का, तो चाहे वो पशु पक्षियों के साथ खेलना चाहता हो, तो चाहे वो एक गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा हो, या फिर वो किसी पेड़ पे रूम बना के रहना चाहता हो, या फिर इसके अलावा कुछ भी वो करना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में हम देख के कह सकते हैं कि उसकी आंखों में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने का सपना है। तो इस तरह से पॉइंट ने एक और बच्चे के बारे में बताया जो कि क्लास के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है और उसके ऊपर किसी का ध्यान तक नहीं जा रहा। और वो जो बच्चा है उसकी आँखों में देख के हम कह सकते हैं कि उसकी आंखों में एक सपना है, वो यहाँ स्लम से बाहर जाना चाहता है, वो नेचर में जाना चाहता है, ट्रीज़ पे रहना चाहता है, स्क्विरल के साथ वो खेलना चाहता है। इस तरह का सपना उसकी आंखों में है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पोएम है इसका फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें क्या बताया, जो क्लासरूम है वहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में पोएट ने बताया और कुछ बच्चों का हमें डिस्क्रिप्शन भी दिया कि वो बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के वो बच्चे हैं। तो ये सारा जो हमें डिस्क्रिप्शन मिला है ये पढ़ के हम अब इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चे कितने गरीब हैं, कितनी पुअर फैमिली से वो बच्चे बिलोंग करते हैं और वो इतने गरीब हैं कि उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता और इसीलिए वो इतने वीक लग रहे हैं, इतने टायर्ड वो लग रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टैंजा। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड। अब बच्चों सेकंड स्टैंजा में पॉइंट हमें बता रहे हैं जो क्लासरूम है उसके बारे में। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने हमें बताया था क्लासरूम में बैठे बच्चों के बारे में, सेकंड स्टैंजा वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लासरूम को डिस्क्राइब करके। तो वो कह रहे हैं कि जो क्लासरूम की वॉल्स हैं उनका कलर कैसा है, क्रीम। तो क्रीम कलर उन पर वॉल्स पे दीवारों पर किया गया है, लेकिन वो कलर कैसा हो गया है, सार। बच्चों सार का यहाँ पे मतलब है बहुत ही गंदा, यानी कि बहुत पुराना पेंट है, उसको पेंट को करे हुए बहुत टाइम हो चुका है और अब वो पेंट बहुत पुराना लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा वो लग रहा है। इस तरह की वहाँ की वॉल्स है, दीवारें हैं। डोनेशंस, और उन दीवारों को डेकोरेट किया गया है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो सब यहाँ पे कैसे आई हैं, डोनेशन में आई हैं। यानी कि किसी ने यहाँ पे आके कुछ डोनेट कर दिया, कुछ चैरिटी में दे दिया, इस तरह से यहाँ पे सारा सामान आया है और इस सामान को उस वॉल पर लगाया गया है जिस वॉल का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा पुराना है। शेक्सपियर्स हैड। अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लगाई गई हैं वॉल पे, तो सबसे पहले तो वहाँ पे शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगाई गई है, लेकिन वो फ़ोटो सिर्फ शेक्सपियर के हैड की है, सिर्फ उनके फेस की एक फ़ोटो वहाँ पे लगाई गई है। अब शेक्सपियर बच्चों हमने सबने नाम सुना है, शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस पोइट थे, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे, इन्होंने पोइट्री भी लिखी है, प्रोज भी लिखा है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा लिटरेरी वर्क किया है। तो शेक्सपियर की एक फ़ोटो वहाँ पे क्लासरूम में लगाई गई है। क्लाउडलेस एट डॉन, सेकंड फ़ोटो जो वहाँ पे लगाई गई है वो किसकी है, वो एक डॉन किसे कहते हैं, जब मॉर्निंग में सनराइज़ होता है, तो एक पिक्चर वहाँ पे लगाई गई है जिसमें मॉर्निंग सनराइज़ का सीन है और उस समय जो स्काई है वो कैसा है, क्लाउडलेस है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, कोई भी बादल स्काई में नहीं है। तो फर्स्ट फ़ोटो तो किसकी है, शेक्सपियर की है। सेकेंड फ़ोटो में एक नेचुरल सीन है, सनराइज़ हो रहा है और जो स्काई है वो बिल्कुल क्लाउडलेस है, बिल्कुल क्लियर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, थर्ड फ़ोटो किसकी है, एक बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ की फ़ोटोज़ है, शहरों की फ़ोटो है, जहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, डोम। डोम कहते हैं बच्चों जब किसी बिल्डिंग के ऊपर इस तरह की छत होती है, सेमी सर्कुलर शेप की छत होती है किसी बिल्डिंग के ऊपर, इसे हम कहते हैं डोम। तो जो थर्ड पिक्चर वहाँ पर लगाई गई है उस फ़ोटो में किसी सिटी का सीन है, किसी बहुत बड़े शहर का सीन है और वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है और सभी बिल्डिंग्स के ऊपर जो छत है वो डोम है, डोम की तरह की है, इस तरह की सेमी सर्कुलर वहाँ पे छत है, इस तरह की बिल्डिंग्स वाली थर्ड वहाँ पे फोटो है। बेल्ड फ्लावरी ट्रायलोलेस वॉली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, वो ट्रायल्स वैली की है। ट्रायल्स वैली बच्चों ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस वैली है, तो वहाँ की नेक्स्ट फ़ोटो लगाई गई है और ये वैली बहुत ज़्यादा फ्लावरी है, यानी वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स उगे हुए हैं और साथ ही वहाँ पे बहुत सारी बेल्स हैं। बेल्स का मतलब उस वैली में बहुत सारे चर्च हैं, हमने सबको आपको पता कि चर्च में बेल्स लगी भी होती हैं, तो बहुत सारे चर्च हैं वहाँ पे, तो चर्च की बेल्स हमें वहाँ दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स उस वैली में उगे हुए हैं। तो इस तरह उस वैली की पिक्चर वहाँ पे लगाई गई है। ओपन हैंडेड मैप। इसके अलावा वहाँ पे क्लासरूम वॉल पे एक मैप लगाया गया है, मैप यानी एक मानचित्र लगाया गया है, और उस मानचित्र को देख के हम कह सकते हैं कि जिसने इस मानचित्र को, इस मैप को बनाया है, यानी एक वर्ल्ड का मैप वहाँ पे लगाया गया है। और जो बनाने वाला है उसने एक तरह से क्या किया है, उसने इस सभी लोगों को एक अवार्ड दे दिया है, अवार्ड के रूप में उस मैप को दे दिया है। यानी कि जो मैप बनाया गया है वो इतना परफेक्ट मैप है, उसने इतने अच्छे से इस मैप को बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड को उसने फिर से, वर्ल्ड का मतलब इस वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को उसने अवार्ड के रूप में ये वर्ल्ड वापस दे दिया है। यानी इतना परफेक्ट, इतना अच्छा वो मैप लग रहा है। इस तरह से एक मैप उस वॉल पे लगाया गया है। And yet for these children, these windows, not this map, their world। तो अब पोइट ने पहले हमें डिस्क्राइब करके बताया है कि वॉल्स कैसी हैं, तो वॉल्स पे बहुत ही गंदा कलर हो रहा है, बहुत पुराना कलर हो रहा है और डेकोरेट किया गया है वॉल्स को। लेकिन सारी चीज़ें कैसे आई हैं वहाँ पे, डोनेशन में आई हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, शेक्सपियर की फ़ोटो है, एक नेचुरल सीन है सनराइज़ का, सिटीज़ का सीन है जहाँ पे सारी बिल्डिंग्स की जो छत है वो डोम की तरह है। इसके अलावा एक वैली की पिक्चर वहाँ पे लगाई गई है और एक वर्ल्ड का मैप लगाया गया है। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ पे लगाई तो गई हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, जो बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के लिए पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो मैप है वहाँ पे वर्ल्ड का, ये मैप इन बच्चों का वर्ल्ड नहीं है। इन बच्चों का वर्ल्ड तो क्या है, ये विंडोज़ हैं, जो क्लासरूम की विंडो हैं, ये इनका वर्ल्ड है। यानी बच्चों, पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि क्लासरूम में बहुत सारी पिक्चर्स लगा तो गई हैं, बहुत सारी सिटीज़ की पिक्चर्स हैं, मैप तक है एक वर्ल्ड का, लेकिन ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि जो मैप है वर्ल्ड का, वो मैप इन बच्चों का वर्ल्ड नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो कहाँ है, इस क्लासरूम की विंडो के बाहर है। यानी इन बच्चों की दुनिया क्या है, ये स्लम है, जिस स्लम में इनका स्कूल है। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि बच्चे इतने पुअर हैं, इनकी लाइफ में इन्हें कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो ये अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो वहाँ पे फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, जो मैप लगाया गया है, उस मैप से बच्चे कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मैप इनका वर्ल्ड नहीं है, इनकी दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया तो यही स्लम है जो कि इनके क्लासरूम के विंडो के बाहर है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लिटरेरी टर्म्स देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़ किया गया है सार, क्रीम, वॉल्स। तो वॉल्स को पॉइंट ने क्या कहा है, जो कलर हो रहा है वो कलर कैसा है, सार क्रीम है, बहुत ही गंदा, बहुत ही मैला, पुराना कलर है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर का, वॉल्स के कलर को कंपेयर किया गया है बहुत ही गंदे पुराने कलर से। तो ये लिटरेरी टर्म है मेटाफर। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर का। इसके अलावा बच्चों, आगे हम देख सकते हैं वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। तो बच्चों, पॉइंट कह रहे हैं कि इन बच्चों की जो दुनिया है, वो दुनिया तो कहाँ है, इस क्लासरूम की विंडो के बाहर है। ये जो स्लम है, यही इन बच्चों की दुनिया है। और इनकी दुनिया कैसी है, इनका जो फ्यूचर है, इन बच्चों का जो भविष्य होने वाला है, वो भविष्य जो है वो पेंटेड है। कैसे, फॉग की तरह। फॉग किसे कहते हैं, फॉग का मतलब होता है जो मॉर्निंग में, विंटर्स में धुंध होती है ना, जिसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती, उसे हम फॉग कहते हैं। तो पॉइंट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इन बच्चों का जो प्रेजेंट है वो तो अंधेरे में है ही। इन बच्चों का जो प्रेजेंट है वो इसी स्लम में बीतने वाला है। ये इनका बर्थ इसी स्लम में, इसी गंदगी में, इसी नेगेटिविटी में हुआ है और यहीं पे ये बड़े हुए हैं। लेकिन इनका जो फ्यूचर है, इनका फ्यूचर भी यहीं स्लम में ही बीतने वाला है। और जिस तरह से एक फॉग होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती, ऐसा ही इन बच्चों का फ्यूचर है। इनके फ्यूचर में कोई भी चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, हर कुछ बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है इनके फ्यूचर में। a narrow street sealed in with a lead sky. तो पॉइंट कह रहे हैं इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहाँ गुजरने वाला है, इस स्लम की जो संकड़ी संकड़ी गलियाँ हैं, जो गंदगी भरी गलियाँ हैं, वहीं भी इन बच्चों का फ्यूचर गुजरेगा। और ये जो गलियाँ है इसे सील कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है, किसके साथ, एक स्काई के साथ। जो स्काई कैसा है, लीड है। अब लीड का स्काई का मतलब क्या होता है, लीड हमें पता है एक तरह का एक मेटल होता है। तो पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर भी अंधेरे से घिरा हुआ है, इनके फ्यूचर में भी कोई होप नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई लाइट नहीं है। इनका जो फ्यूचर है वो यहीं इसी स्लम में, यहाँ की जो नैरो संकड़ी गंदी गलियाँ हैं यहीं पर गुजरने वाला है। और यहाँ तक कि जो स्काई है तो स्काई से भी इन्हें कोई लाइट नहीं मिल रही, कोई ब्राइटनेस नहीं मिल रही। जो स्काई है उसने भी यहाँ पे अंधेरा कर रखा है और इसी अंधेरे में इनका जो फ्यूचर है वो सील हो गया है। तो लीड स्काई का मतलब क्या है, लीड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डार्कनेस को। तो पॉइंट कह रही हैं कि स्काई से भी कोई ब्राइटनेस इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, कोई रोशनी इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। जो स्काई है वो भी डार्क है, अंधेरे से भरा हुआ है और उस स्काई ने इन बच्चों को यहीं की संकड़ी गलियों में सील कर दिया है, कैद कर दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं ये बहुत दूर हैं, किससे, रिवर्स से। इन बच्चों ने कभी अपनी लाइफ में नेचुरल ब्यूटी देखी ही नहीं, ये कभी रिवर के पास नहीं गए, कभी इन्होंने केव्स नहीं देखी। बच्चों केव कहते हैं, हमने इस तरह देखा होगा जो सी होता है, ओशियन होता है, उसके बीच में इस तरह का जो लैंड का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं केव। तो पॉइंट कह रहे हैं कि इस तरह की भी नेचुरल ब्यूटी से बच्चे बहुत दूर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में कभी रिवर नहीं देखी, कभी इन्होंने केव्स नहीं देखी और ना ही इन्होंने स्टार ऑफ वर्ड्स। अब स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब अच्छा लिटरेचर, अच्छी स्टोरीज, कुछ अच्छा इन्होंने अपनी लाइफ में ना कभी सुना और ना ही कभी पढ़ा। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इन बच्चों का जो प्रेजेंट है, इन बच्चों की जो दुनिया है वो ये मैप नहीं है, ये मैप से कनेक्शन नहीं बना पा रहे, क्योंकि इन बच्चों की जो दुनिया है वो तो यही स्लम है। इस सिटीज़ की पिक्चर का इन बच्चों के लिए कोई यूज़ नहीं है, ये सिटीज़ इन्होंने ना कभी देखी और ना ही कभी देखेंगे, क्योंकि इन बच्चों का फ्यूचर भी यहीं इसी स्लम में ही गुजरने वाला है। इसीलिए जो डेकोरेशन के लिए जो इतनी भी पिक्चर्स लगाई गई हैं वो इन बच्चों के लिए बिल्कुल ही यूजलेस हैं और ये जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर जो है वो सील हो गया है। इनका जो स्काई है वो भी डार्क है, इन्हें स्काई से भी कोई रोशनी नहीं मिल रही और ये इन्हीं संकड़ी गंदी गलियों में ही रहने वाले हैं और हर तरह की नेचुरल ब्यूटी से बच्चे दूर हैं। इन्होंने अपने लाइफ में कोई भी नेचुरल चीज़, नेचुरल ब्यूटी देखी ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सेकंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था क्लासरूम में बैठे हुए कुछ बच्चों के बारे में, सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट ने हमें बताया है क्लासरूम कैसा है उस बारे में। और बच्चों यहाँ पर अगेन हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट ने जो स्काई है उसको कैसा बताया है, लीड स्काई, स्काई को कंपेयर किया है लीड से। तो अगेन यहाँ पे लिटरेरी टर्म है मेटाफर, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफर का। और यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं फार फार, यहाँ पे यूज़ किया गया है रेपिटेशन, फार फार वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है। और इसी तरह से फार एंड फ्रॉम, तो ये है रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये लिटरेरी टर्म होता है अलिट्रेशन। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है रेपिटेशन इन फार फार एंड अलिट्रेशन इन फार फ्रॉम। तो बच्चों यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 स्टेंजाज ऑफ द पोएम। आगे की पोएम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।